नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ रति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। स्वामी चिन्मयानंद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। चिन्मयानंद की जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पीड़िता ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। शाहजहांपुर में लॉ की छात्रा के यौन शोषण का ये पूरा मामला है। बता दें आपको की छात्रा ने यौन शोषण का आरोप लगाया चिन्मयानंद के ऊपर। पीड़िता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार है। मामले पर 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चिन्मयानंद तारिक को पूरे मामले की सुनवाई करेगा। ये जमानत मामले को पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आकिब हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकिब, चिन्मयानंद की जमानत पर चुनौती दी है पीड़िता ने, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है पूरा मामला, क्या कुछ जानकारी है आकिब? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली थी और वो जमानत पर छूट गए थे। और उसी के बाद जो पीड़ित छात्रा है वो जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ख्वाहिश किया है और याचिका दाखिल की है कि उसके खिलाफ अन्याय हुआ है। तो अब ऐसे में 24 फरवरी को ये सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है और ये कयास लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से चिन्मयानंद की जो मुश्किलें हैं वो पैदा हो सकती हैं। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली है और वो जेल से बाहर है। याचिकाकर्ता ने ये भी आरोप लगाया है छात्रा ने कि उसकी जान को खतरा है और ऐसे में ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ही न्याय करे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जब ये मामले पर सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्या चिन्मयानंद को राहत मिलती है सुप्रीम कोर्ट से, नहीं ये अहम बात होगी। जी आखिर, क्योंकि पीड़िता ने जान का खतरा बताया, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सुरक्षा मुहैया कराई गई है पीड़िता को? ये पीड़िता ने ये बात जाहिर की है और इसी को ही बेस बनाया है कि चिन्मयानंद बाहर है और वो जान से खतरा है उसे। तो ऐसे में उन्होंने प्रशासन से भी अपील की है सुरक्षा के लिए। तो इन्होंने तमाम कई बिंदुओं को देखते हुए एक याचिका दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट जब 24 तारीख को सुनवाई करेगा तो शायद उसको सुरक्षा भी मुहैया करा पाए और देखा दिलचस्प हुआ कि क्या सुनवाई में रहता है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।